दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते जीत में। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो जो लोग पेपर प्लेट वैक्यूम बिजनेस कर रहे हैं और जो मशीन को चलाते हैं और चलाते के क्रम में उनको प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने मशीन सेट करने का तरीका बताया था, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं। जो है मैं कमेंट के हिसाब से बनाया हूँ, जैसा कि आप लोगों का कमेंट आया था उसी कमेंट के आधार पर ये मैं वीडियो बनाया हूँ, और ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है जो पेपर प्लेट मैकिंग बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो पर। दोस्तों मशीन चलाना और चलाते रहना ये बड़ी बात होती है, चलाते रहने के क्रम में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जो आप लोग प्रॉब्लम बताए हैं, कमेंट किए हैं, उस आधार पे ये वीडियो बनाया हूँ। तो आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए अगर आप पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस कर रहे हैं या करने वाले हैं, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। देखिए मशीन में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पार्ट्स खराब है मशीन का, तो मशीन का मोटर खराब है, मशीन का करेंट खराब है। ऐसा नहीं होता है, हर बार पार्ट्स और मोटर खराब नहीं होता है, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग सही तरीके से मशीन को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कि इस एपिसोड में मैं 5 पॉइंट में जो पेपर प्लेट क्रेंक मशीन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, अगर आप चलाते हैं तो इस बात को गौर कीजिएगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है, प्रेशर सेटिंग। बहुत सारे लोगों का मशीन चलते चलते दोनों डाई पे डाई बैठ के मशीन रुक जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इससे प्रेशर से आप ज्यादा देकर चलाते हैं। नए लोगों को मशीन के बारे में पता नहीं होता है, प्रेशर वो ज्यादा दे देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि मोटर पे भी प्रभाव पड़ता है, मोटर पर प्रभाव पड़ता है, मोटर जल जाता है, बैरिंग टूटने की संभावना रहती है। तो इसको किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए ये मैं बताऊंगा। आज मैं 5 भागों में आपके कमेंट के आधार पे और मशीन में प्रॉब्लम के आधार पे 5 भागों में बांटा हूँ। जो प्रॉब्लम इस प्रकार के, प्रेशर सेटिंग का प्रॉब्लम आता है, चैन सेटिंग का प्रॉब्लम आता है कि मशीन चलते चलते बार बार चैन क्यों उतर जाता है। तो हमारा तीसरा पॉइंट जो है रूला सेटिंग, रूला मतलब बेलन सेटिंग, मशीन में पीछे जो है जिससे रोल गुजरती है और डाई के पास जाती है, रूला के बेलन के द्वारा जाता है। तो बेलन को हम किस प्रकार से सेटिंग करें कि पेपर इधर उधर ना जाए। जो चौथा पॉइंट है वो डाई सेटिंग का है, कि डाई को किस प्रकार से एडजस्ट करके रखे और इसको किस प्रकार से सेट करें, डाई का सेटिंग मैं बताने वाला हूँ। पांचवा जो पॉइंट है वो है बेल्ट सेटिंग। मशीन में जो पुल्ली होती है वो फाइनवेल के द्वारा अटैच होती है, तो बेल्ट क्यों पलट जाती है, बेल्ट क्यों ज्यादा सबसे ज्यादा टूटती है, इसके बारे में भी फुल डिटेल से बताऊंगा। और आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, जो भी प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं कमेंट के आधार पे आप लोगों को जानकारी दे सकूं। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताइएगा उसका सोल्यूशन मैं नहीं ला पाऊंगा, इसलिए आप प्रॉब्लम बताइए तभी मैं उसका सॉल्यूशन जो है मैं ला पाऊंगा और आप लोगों को। तो फर्स्ट प्रोसेस जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोसेसर को, तो प्रेशर को आप यहां से एडजस्टमेंट कर दें, और हर डाई का अलग अलग प्रेशर। क्या होता है कि बहुत सारे लोग 13 इंच का डाई चलाते, 6 इंच का डाई चलाते रहते हैं, और जब उनको 13 इंच का डाई कसते हैं तो इसी प्रेशर पे वो चला देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 13 इंची डाई ऊंचा होता है तो उसे कम प्रेशर पे चलाना है, 6 इंची डाई जो है छोटा होता है तो उसे ज़्यादा प्रेशर दे करके चलाना है। तो उस हिसाब से आप एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं, सही तरीके से अगर एडजस्टमेंट कीजिएगा तो वो आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। और इसमें मैं बता दूँ आपको कि अगर आपका डाई पे डाई बैठ गया है तो उसको कैसे एडजस्टमेंट किया जाए। तो यहाँ हाथ से आप क्या करें कि हाथ से इस पुल्ली को नचा करके इस टाइप से, और डाई को उठा लें, जैसे कि यहाँ से डाई देख पा रहे हैं ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इसमें अभी डाई कसा हुआ नहीं है, और ये ऊपर की तरफ जब आ जाएगा, डाई थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो इसको हम प्रेशर को कम कर देंगे, इस प्रकार से इसको कम कर देंगे। कम करने का मतलब है कि डाई, नीचे वाला डाई और ऊपर वाला डाई का जो है बीच का दूरी घटेगा, तो करेंक पे प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो डाई आपका फंस जाता है वो फंसना बंद हो जाएगा। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है चैन सेटिंग का, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ अभी मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें आप देख पा रहे हैं चैन कितना लूज है इसका स्प्रिंग, तो इसी वजह से जो है चैन उतरता है। तो चैन सेटिंग का क्या प्रोसेस है कि चैन को हमेशा आप टाइट रखें। चैन को टाइट कब रखें, जैसे कि आप इस मशीन में देख पा रहे हैं
ये जो पत्ती लगा हुआ है ये पत्ती सीधे सेंटर में होना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ होना चाहिए, और नीचे की तरफ होते हुए चैन जो है चैन इस चैन पुल्ली से होते हुए स्प्रिंग के पास जो है टाइट होना चाहिए एकदम, जबकि यहाँ आप देख पा रहे हैं चैन कितना लूज है। तो इसे सेटिंग करने का जो प्रोसेस है चैन का, जैसे कि यहाँ से मैं इसको अभी निकाल करके ये देखिए चैन को मैं टाइट कर देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं जो चैन था पहले लूज था, तो इसे मैं सेटिंग कर दिया हूँ और ये अब टाइट हो चुका है। और चैन टाइट कब कैसे करना है, तो सबसे पहले ये हमारा ये जो पत्ती है ये पत्ती इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, सीधे नीचे के तरफ होना चाहिए इस टाइप में, और इस टाइप में नीचे की तरफ होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पुल्ली से लगा हुआ होना चाहिए, और तब तो स्प्रिंग के पास जो है इस प्रकार से लगा हुआ होना चाहिए। अब चैन में एक बात और ध्यान देना है कि ये चैन का स्प्रिंग है, यहाँ पे रड के पास ये है, ये चैन का स्प्रिंग है, और वहाँ पुल्ली है, वहाँ पे जो है वहाँ पुल्ली है, तो ये एक समान होना चाहिए, कि मतलब ये जो है ये ठीक उसके सामने होना चाहिए, ये नहीं कि इधर है या इधर है, तो क्या होगा कि बार बार चैन उतरने लगता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि वहाँ का और यहाँ का लाइनिंग जो है ये एक समान होना चाहिए, तभी जो है आपका चैन उतरेगा नहीं और पेपर सही तरीके से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बेलन सेटिंग का है, जैसे कि पेपर प्लेट मैकिंग मशीन में अगर आप चलाते होंगे तो इस प्रकार से जो है बेलन लगा हुआ रहता है। इसमें मैं सबसे फर्स्ट बता दूं कि बेलन में आप हमेशा यहाँ चार बैरिंग लगा हुआ रहता है, जैसे कि एक बैरिंग यहाँ है और दूसरा यहाँ है और दो बैरिंग इधर से लगा हुआ है, एक बैरिंग इधर एक बैरिंग, तो इस बैरिंग में हमेशा आप ग्रीसिंग करते रहें और उसका ध्यान दें ताकि जो है पेपर आसानी से जा सके, मतलब पेपर जो है वो आसानी से जाएगा। अगर ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जैसे ये बिल्कुल इस प्रकार से जो है पूरा फ्री होना चाहिए। तो इसमें क्या सेटिंग करना है, जैसे इसमें गैपिंग का सेटिंग होता है कि यहाँ बेलन जो है पेपर यहीं से गुजरती है, यहाँ से पेपर लग के और आगे की तरफ जाती है, चैन के द्वारा ये खींची जाती है। इसमें क्या सेटिंग करना है, जैसे एक इसमें देख पा रहे हैं एक नट इधर लगा हुआ है और एक नट जो है यहाँ लगा हुआ है, तो यही से ये दोनों नट जो है एक समान बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा कसा हुआ है और ये जो है पूरा ढीला है, एक समान जितना ये कसा हुआ है उतना ये कसा रहना चाहिए। सीधी सी बात समझिए कि बेलन में गैपिंग नहीं होना चाहिए, नहीं है कि एक तरफ बैठा हुआ है पूरा और एक तरफ गैपिंग है, तो इससे क्या होगा पेपर तिरछा भागेगा, वो पेपर जो है एक तरफ जाने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। तो इस चीज़ को आप एडजस्ट आसानी से कीजिए, नीचे बैठ के आप एडजस्टिंग मिला सकते हैं आप खुद आसानी से, तो ये एडजस्टमेंट अगर आप करके रखते हैं तो जो है इस टाइप का आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। पॉइंट जो है हमारा डाई सेटिंग का, कि डाई को कैसे सेटिंग करें, तो देखिए डाई कसना काफ़ी आसान है, इसमें आप इस तरह का बोल्ट देख रहे हैं। तो फाइनली क्या करना है कि डाई, जैसे अभी दूसरा डाई इसमें लगा हुआ था तो ये डाई मैंने हटा करके इस डाई को बता रहा, तो सबसे पहले आप हीटर को कस लें, हीटर जैसे डाई में दो हीटर होता है, एक ऊपर वाला एक ये ऊपर वाला हीटर है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ से हीटर को जो है आप कस लें, नीचे वाले को नीचे के जो वाला जो है ऊपर वाले में, ऊपर वाले को ऊपर में कस दें और नीचे वाले को नीचे में कस देना है, और पूरी तरह से टाइट करना है, और इसमें वायर ऐड कर देना है, कनेक्टर के थ्रू जो वायर आता है वो ऐड कर देना है, वो जो आपके मशीन में लगी हुई है आप खुद, मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, करना आपको है तो आप कीजिएगा। अब इसमें कोई मशीन चालू करके ये सापट नहीं आएगा, ये हाथ से आएगा, ये इधर से जो है देख सकते हैं, इधर से जो है इस पुल्ली को इस प्रकार से नचाना है, तो आप देखिए डाई जो है नीचे की तरफ आ रहा है, डाई इस प्रकार से जो है, अब डाई को मिला के सापट के ठीक सामने रख देना है, इधर उधर करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ मिल गया, और इस प्रकार से जो है पूरा बैठा देना है। अब यहाँ से पूरा बैठ गया, इस नट को टाइट कर देना है,
और उसके बाद इसको जब आप उठाइएगा टाइट करके तो ये इस प्रकार से डाई जो है देख सकते हैं लग गया। तो ये था डाई को कसना कैसे है, प्रेशर कैसे एडजस्टमेंट करना है ऊपर से, वो प्रेशर मैं बता ही दिया हूँ, बेलन जो पीछे है बेलन को कैसे एडजस्टमेंट करना है वो मैं बता दिया हूँ। तो इस प्रकार से डाई को आप कस सकते हैं। हीटर जो मैं कसा नहीं हूँ, प्रोसेस बताया हूँ, कसना आपको है। अब उसके बाद इसमें चदरा का प्रोसेस होता है, इसमें अभी चदरा नहीं लगाओ। तो चदरा का प्रोसेस आप जो है में देख रहे हैं, यहाँ से इस तरह का होगा आपके डाई में, यहाँ से जो है ये ढलाव है डाई में। तो ये चदरा जो भी कट के लगा हुआ रहता है इसमें, वो इस ढुल का इस ढलाई के नीचे तक ही रहना चाहिए। इसी पे जो है ब्लेड आती है और पेपर को कटिंग करता है। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस जगह पे चदरा लगा देते हैं, डाई आता है, डाई भी खराब हो जाता है और पेपर भी नहीं करता है। तो इस प्रोसेस को आप समझिए कि जब चदरा जो है जब भी लगाएं तो इस चारों तरफ ये ध्यान दें कि डाई के ढलाव के नीचे चदरा है या नहीं। और चदरा जब भी कसें तो पीछे से थोड़ा चदरा उठा के और नीचे थोड़ा ढलकाव की तरफ करें ताकि पेपर आने में आसानी हो, और ताकि फैन ब्लोअर से जो हवा आए तो हवा भी आसानी से आए और पेपर जो है फंसे नहीं। तो इन सब बातों को आप ध्यान पूर्वक से डाई को इस कैसे कसना है, पहले हीटर को ऐड करना है, वायर ऐड करना है, डाई को नीचे ला कर कैसे ऐड करना है ये मैं बता दिया हूँ। चदरा को ध्यानपूर्वक आप कस सकते हैं, यहाँ आपके मशीन में होगा। तो ये डाई सेटिंग का प्रोसेस। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा है बेल्ट सेटिंग। बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा हूँ बेल्ट सेटिंग में, जैसे ये फाइंड बेल्ट है और कृष्णा इंटरप्राइजेज में जो है फीडर का बेल्ट, मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में ही वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहीं पे मैं इंस्टॉलेशन का आपको प्रोसेस मैं बताते रहता हूँ। तो इसमें क्या है, फीडर का बेल्ट जो है बहुत अच्छा माना जाता है, आप लोग भी जानते होंगे। तो यहाँ फीडर का ओरिजिनल बेल्ट ही यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, बेल्ट पलटने का मुख्य कारण क्या है कि जैसे ये पुल्ली देख रहे हैं यहाँ पे, और एक पुल्ली छोटा सा नीचे मोटर के पास है। तो इसमें अभी आप एक चीज़ देखिए, आपको दिखाई देगा इसमें लाइनिंग अभी बिल्कुल गड़बड़ है, नीचे वाला पुल्ली मैंने लाइनिंग गड़बड़ इसीलिए किया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए इसको। तो इसमें क्या अभी सुधार करना है, देखिए नीचे वाला जो बेल्ट है ये इधर की तरफ भागा हुआ है, इधर की तरफ। तो ये हमेशा लाइनिंग में होना चाहिए, लाइनिंग में जब होगा तो बेल्ट पलटेगा नहीं, बेल्ट कटेगा नहीं और मशीन भी आसानी से चलेगा। तो इस लाइनिंग को आप मिलाइएगा कैसे, तो यहाँ भी नट बोल्ट पे पुल्ली है और यहाँ भी जो है नट बेल्ट पुल्ली रहता है। तो उस पुल्ली नट को ढीला करके ऊपर का भी इधर, ऊपर से भी इधर उधर कर सकते हैं और नीचे से भी यहाँ से भी इधर उधर कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप लाइनिंग मिला लीजिए ऊपर, ये डबल डाई की मशीन है तो दो पुल्ली लगा हुआ है और एक सेंटर मोटर में है तो सेंटर में जो है एक पुल्ली लगा हुआ है। और इस पुल्ली में भी सेम प्रोसेस है कि ये वाला बड़ा वाला डबल बेल्ट पुल्ली और नीचे जो एक ये छोटा वाला डबल बेल्ट पुल्ली, दोनों में इसको भी आप एक समान से अगर रखिएगा तो जो है ये बेल्ट पलटेगा नहीं और बेल्ट कटेगा नहीं। तो ये सेटिंग आप हमेशा, नए लोग जो मशीन चलाते हैं तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान दीजिए कि ये ढीला होकर के पुल्ली अगर इधर उधर चला गया है तो उसे आप एडजस्टमेंट कर लीजिए ताकि आपका बेल्ट ख़राब नहीं होगा और मशीन भी जो है सही तरीके से चलेगा। दोस्तों आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दिए, सारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूँगा। और मैं बता दूं कि अगर आपके मशीन में किसी और प्रकार का प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मशीन कहीं से भी लिए हो ये डिपेंड नहीं करता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा। इस नंबर पे आप अपने मशीन का फ़ोटो खींच के अपना एड्रेस सेंड कीजिएगा, मैं आपको टेक्नीशियन का नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, जो भी उसका भाड़ा खर्चा होगा वो आपको चार्ज करेगा और आपका मशीन फुली तरीके से सेटिंग कर देगा। और आपको किसी भी तरह की मशीन पार्ट्स की भी आवश्यकता पड़ती है, जो आप जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है छोटा छोटा पार्ट्स के लिए बहुत दूर से नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे अगर छोटा छोटा पार्ट्स है तो मैं बस के थ्रू आपको भेज सकता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।